ग्लोबल मार्केट से आ रहे संकेत जिसमें फेड ने फिर से रेट कट्स की आशंका जताई है, यूएस में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, वहीं एशियन मार्केट एक फ्लैट नोट पर ट्रेड हो रहा है। नज़र डालते हैं एसजीएक्स की तरफ, तो एसजीएक्स 10,850 के आसपास ट्रेड हो रहा है जो कि 30 पॉइंट पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि भारतीय बाजार की एक फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत ज़रूर होगी। देखना यह कि कल का जो मार्केट था उसमें जिस तरह से सेलिंग प्रेशर्स देखने को मिला था, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में काफ़ी तेज़ गिरावट दर्ज हुई थी। निफ्टी में कहीं ना कहीं 225 पॉइंट की गिरावट दर्ज हुई और वहां जाके क्लोज हुआ 10,800 के नीचे। निफ्टी ने सक्सेसफुली अपनी क्लोजिंग दी, तो ये एक रुझान जो सेटअप करता है वो थोड़ा सा बैरिश है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे अभी सेल की सलाह रखूँगा कि थोड़ा सा भी बाउंस मिलता है 10,820-830 के आसपास का तो वहाँ पे एक सेलिंग की सलाह दूंगा। 860 यानी 10,860 का एक रेसिस्टेंस बनता है, वहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बनेगा। डाउनसाइड टारगेट जो आता है 10,760 से लेके 740 तक के आसपास का आता है। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल की, जो निफ्टी का यहाँ से इमीडिएट दिख रहा है वो है 10,760-750 का इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे का जो लेवल आता है वो आता है 10,700 से 10,680 का। रेसिस्टेंस जो यहाँ से दिखता है वो 10,850 का है। उसके ऊपर का जो नेक्स्ट लेवल आता है वह 10,900 का।